सर क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? सर जी बताएं क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? जो लोग मिलने के लिए जा रहे हैं परिवार से, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? बताएं कुछ, कुछ बताएंगे, कुछ जवाब दीजिए सर जी। सर कुछ जवाब दीजिए, सर कुछ जवाब दीजिए, सर कुछ जवाब दीजिए। क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुछ बताएंगे, कुछ जवाब दीजिए सर। सर कुछ जवाब दीजिए। इस तरह से आप लोग रोक रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है? सर कुछ जवाब दीजिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से जो लोग पीड़ित परिवार के घर जा रहे थे, पीड़ित परिवार के साथ दुख बांटना चाह रहे थे, पुलिस प्रशासन भी ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे पत्थर रखा गया था, जो गाड़ियाँ पास होती थी इसको भी हटा दिया गया है। ये अभी अभी हमारे कैमरे के सामने ये सब पत्थर हटाए गए हैं कि जो लोग पीड़िता से मिलने जा रहे हैं उनको रोका जाए किसी तरह। उतार दो, नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, फंसे इतना गाड़ी। क्या हुआ, आप लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं? पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा है? प्रशासन से पहले तो गांव वाले रोके, गांव वाले के नतमस्तक दिखाई दे रहे प्रशासन के आगे, गांव वालों के आगे। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन गांव वालों से मिला हुआ है, वो गांव और प्रशासन दोनों मिलकर हम लोग को पीड़िता परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये जंगल राज चल रहा है, देखिए किस तरह से गांव वाले रोके, उनके साथ पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले हम लोग को जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बजाय उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं गांव वालों का। बताइए, कुछ चार लड़के गांव के रोक रहे हैं, हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं, पीड़िता परिवार से मिलने नहीं दे रहे, बताइए हम लोग क्या करें? अब प्रशासन से ना मदद लें तो किससे मदद लें? प्रशासन ही उनके साथ खड़ी है आज, गाँव वालों के जो रेपिस्ट हैं उनके परिवार के साथ खड़ी है, और जो पीड़िता थी लड़की उसको थाने में मारा जाता है पुलिस द्वारा। सभी लोगों को और हम लोग पीड़िता से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, और प्रशासन द्वारा हम लोग को ये बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित परिवार जिला अस्पताल में हैं, तो यहाँ से अभी हम लोग का अगला कदम है कि जिला अस्पताल की तरफ कूच करेंगे और बिना पीड़ित परिवार से आज मिले यहाँ से हम सभी भाई लोग नहीं जाएंगे। और प्रशासन और गाँव वालों के साथ एक सामंजस्य दिखाई दे रहा है कि आरोपियों के साथ प्रशासन का ऐसा सामंजस्य है कि जिसे पूरे गाँव वालों ने मिलकर हम लोगों को रोका है। यहाँ पे सभी समाज के लोग उधर इकट्ठा हुए हैं और जो है बाकी हम लोग को दंगा भड़काने का एक वो गांव वाले ये कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ाने में मदद कर रहे हैं, उनको पकड़ने में पूरी मदद किए हैं, वो पकड़े गए, हम लोग मदद किए थे, उनका कहना है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पकड़ने के लिए। जब आप वो पकड़वा दिए, आप हाजिर कर दिए हैं, तो हम लोग पूरी व्यवस्था मिलने के लिए।